ये डीसी पंखा हमारा चलने लगा, यानी कि आप सोलर और डीसी पंखा दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो गर्मी के दिनों में, जिसमें कि आपकी कई तरह के जो क्वेश्चन आपने इमरजेंसी इन्वर्टर एंड बैटरी पे पूछा हुआ है, उन सब का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, तो आइए हम पहले कमेंट पढ़ते हैं कि हमारे जो व्यूअर है उन्होंने क्या क्या कमेंट किया है। ये एक कुछ दिन पहले का कमेंट है, ये हमारे जो व्यूअर है यानी कि अन्नपूर्णा जी, उनका एक क्वेश्चन है कि सर ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है तो ये हम कैसे खरीदे और कहां से खरीदे, कितने में खरीदे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मिस्टर इंडियन हैकर की तरफ से, भाई मेरे पास भी है पर टूट गया है अंदर से, एलईडी लाइट कैसे कनेक्ट करेंगे भाई प्लीज। ठीक है मिस्टर इंडियन हैकर जी, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं बट हर प्रोडक्ट सेम नहीं होते हैं। ये क्या इसमें और बैटरी ऐड कर सकते हैं? जी हाँ, जैसे कि ये आपने पूछा कि इसमें क्या एक्स्ट्रा बैटरी आप ऐड करना चाहते हैं, तो इस वाले प्रोडक्ट में आप नहीं ऐड कर सकते बट हम आपको नेक्स्ट जो प्रोडक्ट अभी दिखाने वाले हैं, आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए, उस वीडियो में उस प्रोडक्ट में आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ चला सकते हैं। तो अब किस एक और क्वेश्चन है कपिल बीवल जी का, सर मुझे 250 वाट चलाना है और 2 घंटे के लिए, क्या मैं इससे चला सकता हूँ प्लीज रिप्लाई। तो सर हम आपको ये भी बता दें कि जैसे कि क्या है इसमें कि 7.2 Ah की एम्पीयर की बैटरी पड़ी हुई है। अब इसका जो मोस्टली जो बैकअप जाता है तो बैकअप उतना देर पहुंच नहीं पाता है, यानी कि 2 घंटे 3 घंटे। अभी आप क्या लोड चला रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने घंटे का बैकअप आएगा कितने घंटे का बैकअप नहीं आएगा। तो अब ये एक बिना बैटरी का कितने में आएगा ये खाली बॉक्स, जी सर ये खाली बॉक्स की प्राइस तो हमारे सेलर बता पाएंगे, हम आपको बहुत ही जल्द नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जिस पे जाके आप देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना क्वेश्चन पूछते रहिएगा और हम इसी तरह जवाब देते रहेंगे। मोहन ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि सर ऑनलाइन मिलेगा ये और कैसे मिलेगा। जी हाँ ये ऑनलाइन मिल सकता है, हम आपको लिंक दे देंगे ऑनलाइन बाय करने का। भाई प्राइस क्या है इसका सर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन है प्राइस के रिगार्डिंग, ये एलके गो है, बैटरी साथ में मिलेगा क्या सर, बैटरी और इसमें बैटरी अलग से डलती है के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लोकल वेंडर से लोकल बाजार में जहाँ पे रहते हैं वहां से बैटरी ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या विदाउट बैटरी भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्राइस अलग अलग होंगे बैटरी के साथ विदाउट बैटरी। 20 वाट का बल्ब कितने घंटे चलता है? जो 20 वाट का बल्ब है और आपकी बैटरी 7.2 Ah की एम्पीयर की बैटरी है, यानी कि मोस्टली 2 से 3 घंटे ही चला पाएगा, 4 घंटे तक ये आपका बैकअप दे पाएगा, उससे ज्यादा नहीं दे पाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप वाट बढ़ाते जाएंगे तो बैटरी की जितनी क्षमता होगी, बैटरी आपने इसमें थोड़ी सी इंक्रीज कर दी जो कि है वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें कि आप एक्स्ट्रा बैटरी ऐड करके देख सकते हैं और हम खुद आपको ट्रायल करके दिखाएंगे कि उससे क्या क्या चल सकता है क्या क्या नहीं चलता है, घंटे आपको बढ़ाना है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है कहां से खरीदे, इसी का अपडेटेड वर्जन हमारे आया हुआ है, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक आपने कमेंट के माध्यम से देखा कि बहुत सारे जो कमेंट आए हुए थे उसमें कितनी पावर है कितनी क्षमता है और उससे अपडेटेड में आए हुए काफी बेटर क्वालिटी में, तो आइए हम एक एक करके सब मॉडलों के बारे में जानते हैं। जैसे कि ये देखिए ये जो प्रोडक्ट है इमरजेंसी इन्वर्टर की टाइप का है और इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि हम आपको बता देना चाहते हैं इसमें क्या क्या मिल जाएगा आपको। एक तो सबसे बेस्ट चीज ये है कि इसके साथ प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, या लाइट की प्रॉब्लम है इमरजेंसी में कहीं आपको बाहर जाना चाहते हैं या मतलब किसी भी पर्पज से, तो आप इस तरह के इमरजेंसी इन्वर्टर बैटरी को लेके जा सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है हमें ये समझ में नहीं आता कि हम अपने घरों के लिए बेस्ट जो कि है CFL इन्वर्टर कौन सा ले जिसको हमें इमरजेंसी में यूज कर सके, अपने जरूरत के हिसाब से 2 घंटे यूज करने हैं 4 घंटे यूज करने हैं या 10 घंटे यूज करना है। तो उसी टाइप का ये जो प्रोडक्ट है ये आपके यूजेस के हिसाब से इसमें क्या क्या फीचर है क्या क्या फैसिलिटी है सारी चीज हम आपको दिखाएंगे। तो जैसे कि ये सोलर CFL UPS है, इमरजेंसी के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। लेकिन इससे पहले आइए हम आप इसके बारे में बता देते हैं कि क्या क्या कौन सी क्या चीज के लिए। ये एक मास्टर स्विच आता है, यानी कि मास्टर स्विच को ऑन कर दीजिएगा तो पूरे ये जितने भी सर्किट यहाँ पे दिए हुए हैं इसमें सप्लाई चला जाएगा, तो इसको बंद कर दीजिएगा तो यहाँ से बंद हो जाएगा। अब ये देखिए ये यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है, ये स्विच इस सॉकेट के लिए है, ये स्विच इस सॉकेट के लिए है और ये वाला स्विच इस सॉकेट के लिए, ये वो जो स्विच है ये इस होल्डर पे यहाँ पे बल्ब जो लगा होता है तो यहाँ के लिए है ये स्विच।
अब आइए हम इसमें बल्ब सबसे पहले लगा के देखते हैं जो बल्ब इसमें डायरेक्ट लग सकता है। यहाँ पे ये वाले एलईडी बल्ब 7 वाट 9 वाट 8 वाट जितने के भी हैं उतने के भी आप लगा के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका जो स्विच है इसको यहाँ से पावर ऑफ बंद करने का है, यहाँ से बंद चालू कर सकते हैं। और ये जो इधर के जो सॉकेट है इसमें मोबाइल चार्जिंग या अपने लैपटॉप इस तरह के इक्विपमेंट लगा के चला सकते हैं। तो आइए हम इसमें लैपटॉप लगा के देखते हैं कि लैपटॉप इसमें लोड ले पाता है कि नहीं ले पाता है। जैसे कि ये देखिए ये लैपटॉप का चार्जर है, इस लैपटॉप के चार्जर को हम यहाँ पे लगा रहे हैं। लगाने के बाद से हम इसको अपने लैपटॉप में यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे कि इसमें क्या चार्जिंग ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम अपने लैपटॉप को खोल लें पहले। यहाँ से ये मास्टर स्विच है, इस मास्टर स्विच को ऑन कर रहे हैं। सारी वीडियो इसमें कहीं भी कोई भी अलग से तार लेकर नहीं आया, ये देखिए हम आपको बिल्कुल स्पष्ट साफ दिखा देना चाहते हैं। ये इसकी चार्जिंग के लिए है जो एसी में जाता है, ये इधर साइड में है और इधर कहीं से भी कोई सा भी कनेक्शन कहीं से भी नहीं है। अब देखिए अब ये यहाँ पे आइए लैपटॉप के ये चार्जिंग पॉइंट पे, देखिए अभी ये बैटरी से हमारी चल रही है, अभी बैटरी से चल रही है। अब इसको यहाँ से पावर ऑन करेंगे, इनपुट आने लगा यहाँ पे। ये देखिए हम इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको ऊपर से दिखा देना चाहते हैं कि हमने और कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं किया हुआ है। ये जैसे देखिए आपके सामने ये सामने पूरी चीजें हैं, तो ये हमारा जो है लैपटॉप तक का लोड ले सकता है। लैपटॉप अगर आपका डिस्चार्ज है, आप कहीं बाहर गए हुए हैं आउटेज में हैं और आपको वहां पे मल्टीपर्पज यूज करना है, मोबाइल भी चार्ज करना है अपना या लैपटॉप भी चार्ज करना है चलाना है, अपने साथ एक छोटा सा सोलर भी अगर चार्ज करने का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से जो सोलर का पावर प्लग आता है, ये देखिए यहाँ पे ये सोलर चार्जिंग के लिए दिया हुआ है जो हमारा सोलर से डायरेक्ट सप्लाई आती है प्लस और माइनस। तो यहाँ पे इसको पिन के माध्यम से लगाएंगे, किस तरह का पिन होगा तो डीसी पिन होगा। ये देखिए ये इस तरह का ये डीसी पिन आता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये प्लस और माइनस के लिए दे रखा हुआ है, तो इसमें एक प्लस लगाएंगे एक माइनस का इसमें लगाकर और ऐसे डायरेक्ट ऐसे कनेक्शन यहाँ पे कर देंगे। तो ये डीसी पिन से क्या होगा कि आपका सोलर अगर है आप सोलर से चार्ज करना चाहते हैं तो सोलर से भी आपका चार्ज होते रहेगा और बाकी सारे सप्लाई चलते रहेंगे, यानी कि आप इसमें सोलर भी लगा सकते हैं। अब कई लोग पूछते हैं क्या इसमें सर हम डीसी फैन चला सकते हैं या पंखा चल सकता है? सर डीसी फैन चल सकता है इससे। तो आइए हम इसमें लोड चेक करते हैं कि डीसी पंखा चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। हमारे पास एक डीसी पंखा पड़ा हुआ है, उस डीसी पंखे को हम चला के इसके आपको दिखाएंगे। ये हमारे सामने एक डीसी पंखा है और इस डीसी पंखे को हम चला के आपके सामने दिखाएंगे। ये डीसी पंखा हमारा चलने लगा, यानी कि आप सोलर और डीसी पंखा दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो गर्मी के दिनों में आप हवा का आनंद ले सकते हैं। गर्मी के दिनों में आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे आपके लिए तो उसमें इसके पूरे पार्ट्स को खोल कर दिखाएंगे कि बैटरी लगेगा कैसे, बैटरी कैसे नहीं लगेगा। तो अब इसमें कई तरह के मॉडल आते हैं, अब इसमें हमने ये चेक कर लिया पंखा भी चल रहे हैं इस मॉडल में, इस मॉडल में हमारे लैपटॉप भी चल रहे हैं। अब हम इस मॉडल में ही आपको ये दिखाएंगे कि क्या इससे टीवी चला सकते हैं। तो इसमें कई तरह के मॉडल आते हैं, ये जैसे i300 है, ये i200 है, ये जो आता है सर ये विदाउट बैटरी आता है। आप बैटरी अपने लोकल बाजार से भी ले सकते हैं जिस तरह का बैटरी। यहाँ पे हम एलईडी टीवी का अपना कनेक्शन लगाएंगे, ये वायर आ रहा है एलईडी टीवी का, आप देखते हैं कि ये पूरा लोड ले पाता है कि नहीं ले पाता है। जी हाँ, ये आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट और साफ दिख रहा है कि ये एलईडी का लोड ले पा रहा है। जैसे कि आपने देखा हमारे कई सारे प्रोडक्ट को और उसको हमने ट्रायल आपको करके दिखाया कि उसे क्या क्या चला सकते हैं क्या क्या नहीं चला सकते। आपके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी कि वो कितने घंटे चलेगा कितने घंटे नहीं चलेगा। सर जैसे कि उसमें लगा हुआ है 7.2 एम्पीयर की बैटरी लगी हुई, 7.5 एम्पीयर की, जो कि छोटी सी बैटरी है। उस बैटरी का मोस्टली अगर एलईडी टीवी के लिए या कंप्यूटर के लिए हम बैकअप मान के चले तो मोस्टली 4 से 5 घंटे मतलब वो आपको एक बार चार्ज होने के बाद से चला सकता है। अब और यदि आप किसी गांव इलाके में हैं जहां पे पावर कट होता है, आप बड़ा इन्वर्टर और बैटरी नहीं ले सकते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि छोटी बैटरी कि छोटे सिंपल इन्वर्टर की तरफ हम जा सकते हैं। आपको जो एसी वाली बल्ब है उसको भी लगा के आप यूज कर सकते हैं, अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। तो यदि आपको बाय करना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाके बाय कर सकते हैं, या आप जो सेलर की वेबसाइट है www.yokfree.com वहां पे भी जाके विजिट करके आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा।